इतनी बराबर मेरा तो बात बतानी बात सुनो तो मैं 1000 रुपए का चक्कर में सो गया रे 5000 रे गाजो रे रे 60000 रे 500 कम ही जा अच्छा मान से। आज 16 अप्रैल मंगलवार के दिन आप देख रहे हैं देपालपुर पशु मंडी और यह पशु मंडी प्रत्येक मंगलवार के दिन लगती है और इंदौर जिले में आती है। इंदौर से करीब 35 किलोमीटर के आसपास इसकी शायद दूरी है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और आप आज की वीडियो पहले हम आपको गाय बताएंगे जो व्यापारी की गाय है, उसके बाद हम जो किसान की गाय है वो बताएंगे, और कल इसी देपालपुर मंडी से जो बाकड़ी भैंस है उसकी वीडियो आएगी सुबह 10 बजे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें, जरा सा कमेंट करें, बाकी बढ़ते हैं। खोल दो भैया, इस वाली गाय को देखिए, ए 6 दांत। कहाँ से आए हो? अच्छा, तो क्या लगा रहे हो भैया कीमत इसकी? 65000 रुपए। आगे लीजिए। और इसका दूध कितना होगा? अच्छा, 8 किलो के आसपास में इसका दूध बताया गया है और 2 से 3 दिन के लगभग जनी है, 2 से 3 दिन पहले। तो कौन से ब्यात में जनी है भैया? अच्छा, दूसरे ब्यात में जनी है। देखिए दांत इसके 6 दांत में है जी। तो देखते हैं हम कीमत के बारे में हम और बताते हैं। तो भैया इसकी क्या हो जाएगी कीमत? इसको होगी 61000 रुपए। कितने क्या लग रहे हैं अभी आज मंडी में इसके? 55000 तक लग चुके हैं। ठीक है, ये बच्चा है इसका, देख सकते हैं ताजा जना है, बच्ची है, नीचे केड़ी है, 2 दिन की है ना। पालपुर मंडी में गाय काफी बड़ी बड़ी गाय, अच्छी अच्छी दुधारू गाय पहुंचती है। देखते हैं हम सचिन भाई दिखे हैं क्या कर रहे हैं अभी। तो ये इस वाली गाय शायद खरीदी है, तो जानते हैं किस रेंज में ली है इन्होंने। सचिन भैया खरीदी क्या है? हेलो, खरीदी क्या? कितने में? मयंक भैया के लिए खरीदी कितने में? 60000। देखिए ये वाली जो गाय आप देख रहे हैं, जो मयंक जी दुबे है इंदौर वाले, उनके लिए सचिन भाई ने खरीदी है। जो पहले हमने एक बार उनकी वीडियो भी बनाई थी और कुछ गाय इन्होंने सचिन भाई ने गाय और भैंस भी दिलाई है उनको। तो देखिए, तो भैया दूध कितना होगा इसका? 11 किलो बता रहे हैं, 8 किलो दूध देगी। कल ही जानी है 8 किलो टाइम का? अरे ये तो 11 बता रहे हैं, 8 किलो दूध देगी। अच्छा, एक टाइम का 8 किलो के आसपास में एक टाइम का दूध बताया जा रहा है। देखिए इसकी मिल्किंग कर रहे हैं अभी, भैया बैठे हैं दोनों साइड, देखते हैं। तो भैया कौन से ब्यात में जनी है? तीसरे में जनी है। तीसरे ब्यात में जनी है जी। तो देखते हैं इसकी पूरी मिल्किंग बताते हैं हम आपको। देपालपुर मंडी से दोनों साइड में बंदे बैठे हैं, मिल्किंग कर रहे हैं। देखिए करीब 4 किलो के आसपास में भी दूध निकाला है इसका।
हाँ अभी पूरा पूरा दूध एक साथ में नहीं निकाल सकते, आरा लगा हुआ होता है। हाँ ये बच्चा है इसका, बच्ची है, बच्ची है। जो भैया ने सेल की है उनसे लेते हैं जानकारी। आपकी ये भी है? हाँ। कितने में बिकी है ये? थी 62,000। 62,000 साठ हजार में बिकी है। और ये भैया, भैया कहाँ की है गाय, कहाँ से लाए थे आप? अच्छा गांव की, आसपास की। उन्होंने भैया ने दी है, जो पिछले सप्ताह भी हमने देपालपुर मंडी से इनकी गाय बताई थी आपको। बाहर की नहीं लाते, जमीन गावड़े की गाय। अच्छा, ये बीमार दुखी नहीं होती है जी। कितनी क्या गाय लाए थे आप? ये 5-6 लाए, इसमें से अभी 2 बेची है, एक दो, एक दूसरी। अच्छा, 2 बिक चुकी है अभी। ये समय की बात करें तो समय बज रहे हैं करीब 11:30 बज रहे होंगे। भैया कहाँ इंदौर जाएगी गाय? भैया इंदौर जाएगी, मयंग जाएगा। अच्छा, वो मतलब हर लगभग हर सप्ताह वो आपसे पशु खरीदते हैं, नुंदड़ का हो, देपालपुर हो, कहीं से भी। अच्छा रहता तो मैं पूछता हूँ, वरना मैं मना बोल देता हूँ। अच्छा, नुंदड़ का से बेच पूछा नहीं थी, कोई जमी भी नहीं है। अच्छा, एक जमीन थी पर वो बिक गई। अच्छा, मैंने दूसरी नहीं ले ली, अच्छी आएगी तो जी। तो मंडी में एक ही बार आए थे तभी से आपसे पशु ले रहे हैं वो मयंक जी दुबे। तो भैया यदि और कोई भी ग्राहक आपसे जुड़ना चाहे तो आपके मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर 74 जी 89 जी 69 जी 101। अच्छा, तो सचिन भाई नाम है और नरसिंहगढ़ के भैया रहने वाले हैं, जो खाचरोद के पास है ना भैया। तो आप कौन कौन सी मंडियों में जाते हो? अच्छा, ये इन मंडियों में जाते हैं, तो ये सभी मंडियां बताइए जो देपालपुर है, मंगलवार के दिन लगती है, और धुंधड़ का है रविवार के दिन लगती है। बाकी दोनों मंडियां कब लगती है, कानवन और खचरो की? कानवन बुधवार के दिन लगती है। अच्छा, कानवन शुक्रवार के दिन लगती है। अच्छा, तो आप अच्छा, तो आप इन दोनों मंडियों के अलावा और जो भैया ने बताया वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो यदि आप जाना चाहें तो पहले एक दिन पहले आप इनसे संपर्क करिए और आप जा सकते हैं। ये आपको पशु जो है गाय या भैंस कुछ भी दिलवा देंगे। तो भैया गाय के लिए देपालपुर मंडी है और भैंस के तानी भैंस के लिए धुंधड़ का, और यदि गाबन बाकड़ी चाहिए तो गाबन बाकड़ी चाहिए देपालपुर में मिलेगी, देपालपुर में। और जो आपने जो खाचरोद और कानवन है यहाँ पर किस टाइप की है? गाय मिल जाएगी, कानवन में भी गाय मिल जाती है, कानवन में भी मिल जाती है गाय। हाँ। अच्छा, रेट के बारे में बताइए, कानवन में रेट सही है या यहाँ पे सही है यदि कोई खरीदार आए तो? देपालपुर के लिए सही है गाय। अच्छा, देपालपुर में सही है, तानी के लिए धुंधड़ का। अच्छा, 60,000 गाय मिलती है, 80 मिलती है। अच्छा, बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है भैया, तो एक ये वाली गाय है जो अभी भैया ने सेल की है, इनके पास में ये वाली भी अवेलेबल है। तो ये भी काफी बढ़िया गाय है, अडर क्वालिटी हमें बहुत ही शानदार दिख रही है, गिर नस्ल की गाय है। तो देखते हैं, पिछली बार भी हमने भैया की जो गाय है कवर की थी पिछले सप्ताह मंडी में, 4 दान। तो देखिए आप, बहुत ही बढ़िया है, शानदार गिर नस्ल में है, और देखिए आप अडर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, पहले में ही जानी है, 4 दांत में और पहले ब्यांत में जनी है सिर्फ। तो भैया क्या हो जाएगी इसकी कीमत? 75,000 रूपए। अच्छा, 75,000 रूपए। और दूध कितना होगा इसका अनुमान? 8 लीटर पहले में, पहले में 8 किलो देगी। अच्छा, कल जनी है, कल ही जनी है। ठीक है भैया, एक वो देख लो, वो भी 12 लीटर का है, ये वाली एक इस वाली को देखिए, ये भैया बता रहे हैं 12 किलो पर टाइम की गाय है। तो देपालपुर वैसे गाय के लिए और बाखड़ी भैंस के लिए काफी बढ़िया मंडी है। भैया ये कब जानी है? 4 दिन हुए। अच्छा, देखिए आप गिराक के भागना काम नहीं पड़े, पैसा ऐसा। तो भैया ये कितने तक हो जाएगी अनुमान? इसके 80,000। 80,000
ये कौन से ब्यात में जनी है? ये तीसरा जनी। ये वाला बच्चा है इसका? बच्चा कितने दिनों का है भैया? ये 4 दिन का बच्चा है। ये वाला 4 दिन का बच्चा है इसका। और ये गाय हमने जो गिर गाय बताई थी आपको, वो 1 दिन पहले जनी थी। आप कहाँ के हो भैया रहने वाले? बड़नगर। बड़नगर से आए हैं भैया पशु लेकर। इसका कितना होगा दूध? अच्छा 9 किलो के आसपास में टाइम का। इसका भी दूध है तो काफी बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी अच्छी दूध वाली गाय लेकर देख रहे हैं आप नेपालपुर से। तो शायद इस वाली गाय का सौदा चल रहा है तो देखते हैं हम क्या होता है। कोई 10 जनक बता लो, कोई बोलते पैसा ज्यादा बताया तो बोल दी। मैं अपन ऐसा झूठ सच वाला काम नहीं करा। वाजिब रेट बताया गिरा खड़ो है। उधड़ा मांगो तो क्या? 1500 वाली बात नहीं है। अरे मैं एक कहीं तुम्हार 3 दे दूं, पर हमारा घर में भी नहीं है गाटो। ये वाली गाय का सौदा चल रहा है जो अभी आपने देखी थी। 58,000 लगा दिए और 62,000 भैया भर। 60,000 देख सकते हैं सेल हो गई है। 59,000 ₹500 में सेल हुई है नेपालपुर मंडी से। जो अभी आपने इसका लाइव सौदा देखा, सेल हो गई भैया कितने में? 500 कम 60 60,000 500 में सेल हुई है। 65,000 की केड़ी है पर आज बाजार ठीक है दादा, सुबह से पीछे पड़ रहे हैं। अच्छा कहाँ से आओ आए हो भैया आप? मगर केड़ी। अच्छा आष्टा के पास? नहीं मगर के पास, सांवेर के पास। अच्छा आप आष्टा से आए हो? आपने खरीदी है? अच्छा तो मतलब घर के लिए खरीदी के व्यापार करते हैं दूध के लिए? अच्छा क्या नाम है आपका? मयंक जी मेवाड़ा। ठीक है भैया देखिए इस वाली का अभी आपको मंडी से जो नेपालपुर मंडी है इस वाली का भी लाइव सौदा हमने आपको बताया। अभी इसका भी बच्चा लगेगा, बच्चा लगाया है अभी इसका। मिल्किंग करेंगे टेस्ट। एक और देखिए आप गिर नस्ल में है गाय। 6 किलो दूध तैयार है। गिर नस्ल की गाय है और 6 किलो अभी का दूध तैयार बताया गया है। बेड़ावन जो उनेल के पास में है वहाँ के किसान की गाय है जो यहाँ पर व्यापारी भाई लेकर आए हैं
देपालपुर मंडी में। तो देखते हैं, इसका अभी सौदा चल रहा है, तो इसका भी क्या होता है हम आपको बताएंगे अभी इसी वीडियो में। तो इसके भी अभी ग्राहक लग रहे हैं और इसकी बातचीत चल रही है सेल होने की। तो देखते हैं क्या होता है, कितने क्या रेंज रखती है या कितने में सौदा होता है, पूरी जानकारी देंगे आपको, आप बने रहिएगा। ये वाला बच्चा है इसका 2 दिन की। क्या लगा रहे हो भैया कीमत? इसका कीमत तो 60,000 रुपए लगा रहा है यार। अच्छा 60,000 और देने लेने में और सम्मान कर देंगे। अच्छा प्योर घी है क्या? प्योर घी है, अभी 6 किलो छीका है, 2 दिन के अंदर 6 लीटर दूध बना रही है अभी फिलहाल। दूध तो 8 लीटर देगी है जी। तो अभी नहीं कितने लग रहे हैं भैया अभी जो भैया यहाँ पे? 45-46 हजार रूपए लग रहे हैं और अपनी डिमांड है 60,000। 60,000 हाँ। देखिए आप 60,000 भैया बता रहे हैं इसकी फाइनल कीमत, और 45-46 हजार अभी तक इसके लग चुके हैं। 6 किलो दूध है और 2 दिन का बच्चा है, ये 2 दिन की जनी हुई है। देखिए आप अटर क्वालिटी गिर नस्ल की गाय देख रहे हैं आप देपालपुर मंडी से। ठीक है भैया, ड्राइवर आए तो नहीं है? आप आए हो भैया खरीदा? अच्छा आप साथ में आए अपने? और वो भैया लेवाल है। आप कहाँ से आए हो भैया? अच्छा क्या नाम है आपका? मुकेश व्यास। अच्छा आप सौदा चल रहा है अभी? हाँ देख रहे हैं अगर जम जाएगी तो। अच्छा कितने क्या लगा रहे हो आप अभी? तो कुछ भैया ने बताए अभी। अच्छा बातचीत नहीं हुई अभी पैसे की? अच्छा अभी इन्हें लगाया नहीं। अच्छा अभी जी ठीक है भैया। अभी जो आगे हमको 2 गिर नस्ल की गाय दिखी है उनको बताते हैं हम देपालपुर की मंडी से। तो भैया क्या लगा रहे हो कीमत इसकी? इसके 70,000। दूध कितना हो जाएगा अनुमानित? दूध कितना होगा इसका? इसके 8 और 16 लीटर दो टाइम का। अच्छा दोनों टाइम का 16 किलो के आसपास में इसका दूध बताया है और 8-8 किलो टाइम का बताया जा रहा है। देख सकते हैं गिर नस्ल की है गाय। गिर नस्ल की गाय जो होती है काफी बढ़िया गाय होती है और दूध क्वालिटी अच्छी होती है उसकी। तो भैया ये कौन से ब्यात में जनी है? ये दुजात है। दूसरे में जनी है। तो फाइनल कितने तक हो जाएगी एक अनुमान बताइए? 60,000। 60,000 और वो वाली इसके पास में है वो? इसके 65,000। इसके 65,000। इसका कितना होगा दूध? 12-12 6-6 किलो। ये बच्चे हैं दोनों के, ताजी जनी हुई है। और ये कितने तक हो जाएगी भैया? ये 55,000। कहाँ से आए हो आप? मंदसौर से। और गाय कहाँ की है? ये विजयनगर घूम के सांवरिया। अच्छा कितने क्या लाए थे आज पशु? 13 लाए थे। अभी कुछ हुए सेल? एक किया। ठीक है भैया देख लीजिए आप। देपालपुर पशु मंडी गाय के लिए एक फेमस मंडी मानी जाती है जो मध्य प्रदेश की प्रत्येक मंगलवार के दिन लगती है दोस्तों, और इंदौर जिले में आती है मंडी। एक इस वाली बच्ची को देखिए, 4 दांत ये 8 क्वालिटी देखिए आप, जो पशु है उसकी 8 क्वालिटी से पशु का अंदाजा लगता है। बच्ची। अच्छा तो क्या लगा रहे हो भैया कीमत? 75,000। और दूध कितना होगा इसका? अच्छा एक टाइम का 10 किलो इसका दूध बताया जा रहा है और 4 दांत में बताई जा रही है। कितना पैसा है?
और नीचे भी केड़ी केड़ी के पीछे बच्ची है तो भैया फाइनल कितने तक हो जाएगी एक अनुमान फाइनल तक ठीक है। कहाँ से आए हो आप? उज्जैन। उज्जैन से कितने लाए आज गाय? गाय 12 थी। अच्छा कुछ हुई सेल अभी? हाँ चार हो गई। चार जी भैया। दोस्तों एक ये वाली गाय है, ये बच्चा है इसका, पीछे केड़ा है और ये अभी सेल हुई है देपालपुर मंडी में। तो जानते हैं किस रेंज में सेल हुई है और कितना क्या इसका दूध है। इसकी अभी मिल्किंग टेस्टिंग की गई है तो देखिए आप। ये किसने खरीदी है? कितने में खरीदी है? 56,000। कहाँ से आए हो? के पास। देखिए आप 56,000 में ये भैया जो पहुँचे इन्होंने खरीदी है देपालपुर मंडी से अभी। और देखिए आप दूध कितना होगा इसका? 8 किलो बताया है टाइम का। ठीक है भैया। और बेची किसने? आपने भैया? आपने सेल की भैया? सेल करी है। कितने में हुई ये? 56,000 रुपए सेल करी। 56,000 रुपए में। दूध कितना होगा एक अनुमान? भी 8 किलो टाइम का। 8 किलो के आसपास ही। लोकल आते हैं किसान से गांव के? जी लोकल ही है गाय। ठीक है। कितने क्या लाए थे आज? 3 गाय लाए। अच्छा अभी कुछ हुई सेल? तीनों कर दी ना। तीनों सेल हो गई। वो भी दे दी 56 की, ये भी 56 की दी और 50 की बेची। 50 की तीनों हो गई। अच्छा कहाँ से आए हो आप? अच्छा ठीक है भैया। देखिए जो भैया पहुँचे थे आज मंडी में ये गाय सेल की है इन्होंने 56,000 रुपए में। जी और ये वाली गाय है दोस्तों देखिए हम आप इस वाली को हम बताएंगे आपको वीडियो में आगे। आपकी है भी? हाँ। क्या लगा रहे हो कीमत इसकी? 65,000 रुपए। और दूध कितना होगा? 7 किलो। 7 लीटर। अच्छा कहाँ से आए हो आप? ये फल्ला जी के पास में बरखेड़ा। बरखेड़ा से। और कितने क्या लग रहे हैं अभी अभी मंडी में इसके? 50 के आसपास में। ये वाला बच्चा है और कौन से ब्यात में जनी है? ये तीसरा ब्यात। तीसरे ब्यात। देखिए आप वो वाला बच्चा है और तीसरे ब्यात में। तो फाइनल कितने तक हो जाएगी अनुमान बताइए? 55 तक। 55,000। ठीक है भैया। ठीक है ठीक है। आप कहाँ से आए हो? इंदौर से। मैं उज्जैन आया हूँ। आप उज्जैन से हो भैया? इंदौर से। अच्छा गाय खरीदने आए हो क्या? जमी कोई तो जमीन ये कब चल रहा होता होगा? सौदा चल रहा है। क्या नाम है आपका? कपिल मराठा। आपका? अच्छा ठीक है भैया। तो अभी तक हमने आपको जो बड़ी बड़ी गाय है कुछ गिर गाय है या बड़ी बड़ी गाय बताइए। अभी हम आगे के वीडियो में जो देपालपुर मंडी से जो देसी नस्ल में गाय है उनको बताएंगे जो कम से कम बजट की गाय मिलती है यहाँ पे। तो देखते हैं इस वाली गाय को। देखिए कहाँ से आए हो बहू जी? कहाँ से आए हो? 3500 रुपए दोस्तों इसकी कीमत रखी है। बनाए बहू जी एक मिनट इसका बना। तो कहाँ कौन से गांव से आए हो आप? अच्छा तो दूध कितना है इसका? 2 लीटर। 2 किलो। दो किलो दोनों टाइम का। अच्छा 3 दिन का ये बच्चा है और 2 किलो दोस्तों दूध है और 3500 रुपए इसकी रखी है कीमत। तो कितने लगे अभी आज इसके मंडी में? कितना पैसा लग गया इना? उधार में लगे 4,000 की। अच्छा उधार में। अच्छा नगद में ही करना है। ठीक है बाबू जी। 500 कम हो। हाँ बढ़िया है। 500 कम हो पर नगद का मामला है। और एक ये वाली गाय है तो बिक गई क्या बाबू जी? है। अच्छा कितने में? 14,000 रुपए की। 14,000 रुपए में। देखिए आप 14,000 रुपए की कीमत में सेल हुई है देपालपुर मंडी में। किसने खरीदी है? नासिर भाई ने। नासिर भाई। अच्छा मुकेश भैया ने खरीदी। इन्होंने। आपने खरीदी भैया? कहाँ से आयो? इंदौर से। इंदौर से। देखिए आप दूध कितना होगा इसका? 4 किलो। ठीक है। और बेची किसने बाबू जी? अच्छा आपने बेची।
अच्छा आप कहाँ से आए हो गुरु? अच्छा देवास से, ठीक है साहब। देखिए आप इस प्रकार की गाय अभी सेल हुई है, जो कीमत हमने आपको बताई है, और यदि मेरे अनुमान की बात करें तो और कम कीमत में सेल हुई होगी शायद। यह और एक इस वाली को देखिए तो क्या कीमत कर रहे हो बाबू जी, कई मांगी रही का ए? आपकी ये गाय क्या मांग कर रहे हो कीमत? 2500 रुपए। कहाँ से आए हो? सांवेर से। और दूध? दूध 1.5 किलो, ठीक है। 2500 रुपए इस वाली गाय की कीमत है, और 1 से 1.5 किलो के आसपास में, किलो ओवर के आसपास में इसका दूध हो सकता है। ये बच्चा है, ताजी जनी है। इस वाली गाय को देखिए, इसका भी अभी देख सकते हैं आप, सौदा चल रहा है या हो चुका है शायद, तो देखते हैं दूध कितना होगा भैया इसका। 6 किलो। अच्छा 6 किलो के आसपास इसका दूध है। देख कितने में हुआ सौदा आपने, के व्यापार? अच्छा क्या नाम है आपका? विशाल सिंह जी, ठीक है भैया। इस प्रकार की यहाँ पर कम कम कीमतों में जो देपालपुर मंडी, यहाँ पर देसी गाय भी मिल जाती है, जो 2-3 हजार रुपए से कीमत स्टार्ट होती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कल फिर से वाखड़ी भैंस की वीडियो आएगी तो आप जरूर देखें, और वीडियो को जरूर लाइक करें। जय श्री महाकाल।